हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास एकेडमी। तो कल हम हमने अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज हम उसी पैटर्न को आगे लेकर बढ़ेंगे। कल हमने एक्स प्लस वन बाई एक्स के कुछ फिक्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे, एक्स की पावर 2 प्लस वन बाई एक्स की पावर 2, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 6, है ना। तो कल हम निकाल चुके थे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6 प्लस वन बाई एक्स की पावर 6, और आप एक्स की पावर 8 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 8 भी निकाल सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। ये वाला पैटर्न CHSL के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स आपका के है और आपसे क्वेश्चन में पेपर में पूछ लेता है एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5, बताइए क्या होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्स की पावर 5 पर जाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। तो जब हम एक्स की पावर 5 पर जाएंगे तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की जरूरत पड़ेगी। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो पावर आपकी ऐड हो जाती है और वो पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एक बार हम सिंपल मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले करेंगे एक्स क्यूब में, तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर 5। जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स क्यूब में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका वन अपॉन एक्स। यदि आप वन अपॉन एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करेंगे तो ये बनेगा आपका एक्स, और जब आप वन अपॉन एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे वन अपॉन एक्स क्यूब में, ये बन जाएगा आपका वन अपॉन एक्स की पावर 5। तो आपको यहाँ पर मिलता है एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमको मिला एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स। लेकिन हमको वैल्यू निकालनी है एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की। तो जो ये वाली टर्म है इसको हम इधर माइनस में ले जाते हैं। तो अब हम आगे करेंगे, तो जब हम इसे माइनस में ले जाएंगे इधर, तो आपका ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू, इधर क्या था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ये था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और ये एक्स प्लस वन बाई एक्स इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो अब आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, यदि आपको x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जो आपका क्या होगा, यदि x प्लस वन बाई एक्स के है तो आप बता सकते हैं डायरेक्ट क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 2। मल्टीप्लीकेशन में क्यूब है और क्यूब का भी आपको डायरेक्ट पता है क्या हो जाएगा आपका, के क्यूब माइनस 3k, और माइनस क्या है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या है आपका, के, तो माइनस का के। तो ये आपका डायरेक्ट फिक्स पैटर्न बन जाता है यदि आपको x प्लस वन बाई एक्स दे रखा हो और आपसे x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 पूछा गया है, तो आप सीधा एक बार स्क्वायर निकालेंगे, एक बार क्यूब निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और माइनस करेंगे x प्लस वन बाई एक्स। तो चलिए इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि आपको x प्लस वन बाई एक्स 3 दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि x की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा है कि एक बार स्क्वायर करके मल्टीप्लीकेशन, एक बार क्यूब करके दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस x प्लस वन बाई एक्स। तो आपका एक बार मैं आपको लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, यह आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, आपके डायरेक्ट याद हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स 3 है तो हमको स्क्वायर में जाना है, तो क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू के, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, और माइनस x प्लस वन बाई एक्स क्या है आपका, 3 माइनस के 3। तो ये आ जाएगा 9 में से 2 गए 7, 3 3 जै 9, 3 का क्यूब है 3 का क्यूब 27, 3 3 जै 9 कितना बचेगा 18, और माइनस के 3 ये आ जाएगा आपका 87 जो 56, 126 माइनस 3, तो आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा 123। तो यदि आपको x प्लस वन बाई एक्स दिया और एक्स की पावर 5 वन एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना है, तो आप सीधा सीधा एक बार स्क्वायर निकालेंगे, एक बार क्यूब निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर माइनस कर देंगे x प्लस वन बाई एक्स। तो आपने नोटिस किया होगा यदि हम x की पावर 5 में जा रहे थे तो हमें दो
एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 3 की जरूरत पड़ी। तो यदि अब हमसे क्वेश्चन में पूछता है एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7, तो कैसे निकाल लेंगे? यदि एक्स प्लस 1 बाई एक्स के दे रखा है और आपसे पूछेगा कि एक्स की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 निकालना है, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे हमने एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 लिखा है, ऐसे ही एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 को लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर इसकी पावर को कैसे तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर हमको जरूरत पड़ेगी एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब और एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 की। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व ना करके आपको डायरेक्ट लिख कर दिखा रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, और माइनस करना पड़ेगा आपको एक्स प्लस 1 बाई एक्स। सेम टू सेम चलेगा आपका, बस आपको पावर पावर में देखना है कि यहाँ पे 7 की जरूरत थी, वहाँ पे 5 की जरूरत थी, तो वहाँ पे 2 और 3 में कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ पे 3 और 4 में कन्वर्ट कर लिया है, और हम पावर क्यूब और आपकी पावर 4 आराम से निकाल ले सकते हैं। तो आपको यदि x प्लस 1 बाई एक्स के दिया है और आपकी आपसे पूछा जाता है x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7, तो आप इसको भी आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। यदि x प्लस 1 बाई एक्स आपको 4 दिया है और आपसे पूछा जाता है x की पावर 7 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7, तो आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में, आप सभी को आंसर करना है। अभी तक हमने सारे इंक्रीजिंग पावर के फॉर्मेट पढ़ लिए हैं। यहाँ पर यदि हमें x प्लस 1 बाई एक्स पता होता है तो हम इंक्रीजिंग पावर में कैसे जा सकते हैं? हमने पावर 2 पढ़ ली है, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर 7, और आप 8 और 9 भी आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी तक सभी के बीच में साइन प्लस का था। यदि अभी हमें निकालना होगा, यदि वो हमें x प्लस 1 बाई एक्स दे देता है वैल्यू और आपसे पूछ लेता है कि बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, और आपसे पूछ लेता है एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 क्या होगा। अभी तक हम पावर प्लस में चल रहे थे, लेकिन अब क्वेश्चन में ही हमारे से पावर माइनस में पूछ रहा है। तो आप एक बात बताइए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर को देखोगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स प्लस 1 बाई एक्स और एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो यहाँ पे हमें एक्स प्लस 1 बाई एक्स तो पता है, लेकिन हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, एक्स माइनस 1 बाई एक्स की। तो अभी एक दो फॉर्मूले और देखते हैं वहाँ से थोड़ा और, उसके बाद आपका डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा वो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यदि मैं आपसे पूछता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यदि मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो आ जाएगा आपका, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपका 2ab से 2ab खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपका हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो खत्म हो जाएंगे आपस में, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 4ab। तो ऐसे ही इस फॉर्मूले की जरूरत हमें यहाँ पर पड़ेगी। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि x प्लस वन बाई एक्स से x माइनस 1 बाई एक्स में कैसे जाएंगे। तो x प्लस 1 बाई एक्स यदि आपको 3 दिया है और हमें पता लगाना है x माइनस 1 बाई एक्स का, तो आपने अभी देखा यहाँ पर यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे आपका 4ab। तो मैं आपको अभी फॉर्मूला कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो यदि आपका x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, आप सभी को पता है क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर प्लस का 2, लेकिन मैं इसको लिखना चाहता हूँ x माइनस 1 बाई एक्स की फॉर्म में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ और हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यदि x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर प्लस का 2 आएगा, तो हमें प्लस का 2 लाना है, और यहाँ पर क्या आता है माइनस का 2, तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, प्लस के 4। अब आप इसको खोलकर देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई स्क्वायर माइनस के 2 और प्लस का 4, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ऐसे ही तो यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं, यदि मुझे यहाँ से एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है, यदि मुझे एक्स माइनस 1 बाई एक्स पता है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 4। ठीक है, अब मुझे एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना हो और मुझे पता हो एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो क्या करेंगे, यदि मैं करता हूँ एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा आपका, एक्स प्लस 1 बाई एक्स के होल स्क्वायर
यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, माइनस के फोर, ये दोनों इक्वेशन आपकी इक्वल होंगी। तो अब मैं यहाँ पर x माइनस वन बाई एक्स निकालना चाहता हूँ, तो x माइनस वन बाई एक्स डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस के फोर। तो अब आपको ये चीज़ें डायरेक्ट याद रखनी है, यदि आपको क्वेश्चन में x प्लस वन बाई एक्स पूछा जाता है और आपको x माइनस वन बाई एक्स पता है, तो x प्लस वन बाई एक्स जो होगा वो होगा आपका अंडर रूट x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस के फोर, ठीक है ना। प्लस वाली चीज़ निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्लस के फोर कर रहे हैं। और यदि x माइनस वन बाई एक्स निकालना है आपको और x प्लस वन बाई एक्स पता है, तो x माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस के फोर। देखो यहाँ पर माइनस वाली चीज़ निकालना है तो क्या हुआ, माइनस के फोर। तो याद करने के लिए ऐसे आसान हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए यही वाली चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या दे रखा है हमें, x प्लस वन बाई एक्स कितना दिया है आपको, थ्री दिया है। और हमसे लेकिन पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई स्क्वायर। ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पर चेंज करना आना चाहिए। तो यदि मैं यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको पता है कितना है, थ्री। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस वन बाई एक्स। और अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है यदि हमें एक्स माइनस वन बाई एक्स निकालना है और हमें एक्स प्लस वन बाई एक्स पता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस के फोर। तो अब हमको यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करना है, ये क्या हो जाएगा आपका, थ्री इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, जो कितना होगा आपका नाइन, और माइनस क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर फोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू अंडर रूट फाइव, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, थ्री रूट फाइव। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम अब डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अभी हमने प्लस में लिया था, इस बार हम ले लेते हैं एक्स माइनस वन बाई एक्स में। यदि एक्स माइनस वन बाई एक्स आपको कितना दिया हुआ है, नाइन, और आपसे पूछता है बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो बताइए क्या करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वन बाई एक्स, ठीक है। और आपको पता है x माइनस वन बाई एक्स कितना है, 9, x माइनस वन बाई एक्स कितना है, 9। तो अब आपको जो ये वाली चीज है ये आपको डायरेक्ट लिखनी है, ये अभी हमने क्या पढ़ा था, x प्लस वन बाई एक्स क्या होगा, अंडर रूट x माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 4। तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x माइनस वन बाई एक्स 9, 9 का स्क्वायर कितना, 81 प्लस के 4 इंटू आपका 9। तो ये हो जाएगा आपका 9 रूट, तो ये हो जाएगा आपका 9√85 आंसर। तो अब आप ये सवाल आसानी से कर सकते हैं, यदि आपको x प्लस एक्स से x माइनस वन बाई एक्स में जाना होगा, या फिर x माइनस वन बाई एक्स से x प्लस वन बाई एक्स में चेंज करना होगा। अब देखिए हमने क्यूब में पढ़ा था, यदि x प्लस वन बाई एक्स का क्यूब करते हैं तो हम निकालते हैं एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, और यदि हम x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू पता होती है तो हम निकालते हैं एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। तो अब क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, अब आपको देगा प्लस में वैल्यू, x प्लस वन बाई एक्स मान लीजिए उसने दिया आपको कितना, 2, और आपसे पूछेगा किसमें, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू। तो आपको पता है आप एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू जब ही निकाल सकते हैं जब आपको x माइनस वन बाई एक्स पता हो। और अभी हमने डिस्कस किया है यदि आपको x प्लस वन बाई एक्स पता है तो आप x माइनस वन बाई एक्स आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए x माइनस वन बाई एक्स अब आपके याद ही हो गया होगा, क्या होगा, अंडर रूट x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा आपका 4, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के 4, तो कितना आ जाएगा आपका ये 0। तो x माइनस वन बाई एक्स कितना आ गया यहाँ पर, 0, और हमें क्या निकालना था, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो आप नोटिस ही कर सकते हैं अब क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब। तो क्या करेंगे, x प्लस, अब जब x माइनस वन बाई एक्स पता है तो क्या होगा आपका, के क्यूब प्लस 3k, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, के क्यूब क्या आपका 0 का क्यूब है ना, प्लस के 3 इंटू 0। अब नोटिस ही कर सकते हैं आपसे आंसर कितना जाएगा आपका 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि मैं मान लेता हूँ x प्लस वन बाई एक्स कितना दिया है आपको इस बार, 4, और आपसे पूछा है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कितनी होगी आपकी, अंडर रूट के ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना, 16, और माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 4, ये आ जाएगा आपका रूट 12, और रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं आप, 2√3, रूट 12 को कैसे लिख सकते हैं, 2√3। और अब हमें निकालनी है एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा था एक्स माइनस वन बाई एक्स यदि के है तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब क्या होगा, के क्यूब प्लस 3k। तो के क्यूब क्या आपका, 2 2 4 2 8 3 24√3, और प्लस के 3 इंटू 2√3,
तो ये आ जाएगा आपका 24√3 प्लस 6√3, तो आपका आंसर होगा 30√3। तो अब फटाफट चेंज करके आप ये सभी तरीके के आंसर निकाल सकते हैं। ये वाला पैटर्न आपका CHSL एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। अब x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 निकालना है हमको। यदि मान लो हमको बताया x प्लस 1 बाई x कितना दे रखा है 3, हमें निकालना क्या है x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4, तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम इसको, तो कैसे लिखा जा सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? तो यदि x प्लस 1 बाई एक्स पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, तो इसको एक बार और छोटा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस 1 बाई एक्स। तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स यदि आपका 3 है, अब ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो भी चेंज करना है। यदि एक्स प्लस 1 बाई एक्स 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2। एक्स प्लस 1 बाई एक्स आपको पता है कितना है 3, और एक्स माइनस 1 बाई एक्स ऐसे निकाल सकते हैं, अभी पढ़ा है हमने अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 में से क्या माइनस के 4, साइन माइनस का, तो माइनस क्या करेंगे 4 करेंगे, तो ये आपका 7 3 जा 21 और अंडर रूट में आएगा 5, तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा 21√5। तो इस तरीके से अब हम सारे क्वेश्चन आपके कर सकते हैं यदि आपको पावर माइनस में भी दी है। और यदि पावर माइनस में दी है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स दिया है तो पावर x माइनस 1 बाई एक्स में भी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन अभी आप करने में आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने यहाँ पर इंक्रीजिंग पावर के क्वेश्चन पढ़े हैं, है ना, उसमें हमने प्लस का साइन भी कवर कर लिया है आपका, माइनस का साइन भी कवर कर लिया है। अब हम आते हैं डिक्रीजिंग पावर, डिक्रीजिंग पावर के क्वेश्चन कैसे करेंगे। चलिए, तो अभी तक हमने इंक्रीजिंग पावर के क्वेश्चन पढ़े थे, तो अभी एक बार डिक्रीजिंग पावर के भी देख लेते हैं, डायरेक्ट देखेंगे यदि हमको क्या है पावर ज़्यादा दी है और हमें कम वेरिएबल में आना है। जैसे एग्जाम्पल, यदि आपको मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दे दिया है के, और आपसे पूछ लेगा बताइए एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना है आपका के, तो एक बार इसका बेसिक देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, के दे रखा है, और मुझे जाना है एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो यदि हम एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस के 2, तो अब हम इसे होल स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं जो पहले वाली इक्वेशन है आपकी, ये इसमें दोनों तरफ दो दो ऐड कर रहा हूँ, इधर मैंने दो ऐड कर दिया और इधर भी आपने क्या करा दो ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका के प्लस 2 के इक्वल। अब ये पता है आपको किसका, एक्स प्लस 1 बाई एक्स का क्या है होल स्क्वायर है, तो ये आपका एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा के प्लस 2 के। यहाँ से आप एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकाल सकते हैं डायरेक्ट अंडर रूट के प्लस 2, तो ये आपका डायरेक्ट अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के दे रखा है तो आप एक्स प्लस 1 बाई एक्स यहाँ से बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद ये आपका पावर क्या था, प्लस में थी, ठीक है। यदि आपसे यहाँ पे पूछ लेगा, यदि आपको दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के दे रखा है और आपसे पूछता है बताइए एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा, यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के देता है और आपसे पूछता है एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा। अभी तो आप उसने आपसे एक्स प्लस 1 बाई एक्स पूछा, तो जब हमने अंडर रूट करा तो आपने देखा यहाँ पर प्लस का 2 आ गया, तो अभी सेम चीज करेंगे यहाँ पर। तो ये था एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2, तो हम पहली वाली इक्वेशन में 2 माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ये क्या हो जाएगा आपका के माइनस 2। ये आपको पता है क्या होगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया के माइनस 2 के, तो यहाँ से एक्स माइनस 1 बाई एक्स कितना आ जाएगा अंडर रूट के माइनस 2 के। तो यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया है और आपसे एक्स प्लस 1 बाई एक्स पूछता है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकालना है तो अंडर रूट के माइनस 2, एक्स प्लस 1 बाई एक्स निकालना है तो अंडर रूट के प्लस 2, डिक्रीजिंग पावर में सीधा आ सकते हैं। यदि ऐसे ही एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 देगा तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पर सेम तरीके से आएंगे। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, आपको समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 98 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 98 दिया है और आपसे पूछता है एक्स प्लस 1 बाई एक्स, तो अभी हमने पीछे पढ़ा था। अब डायरेक्ट ये चीज़ें आपको एग्जाम में टाइम कैसे बचेगा हमारा, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा एक्स प्लस 1 बाई एक्स क्या होगा अंडर रूट के प्लस 2, तो हमें डायरेक्ट करना है अंडर रूट 98 प्लस 2 जो आ जाएगा आपका अंडर रूट 100, और आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट सीधा 10। तो यदि आपको ये दिया है तो आपका एक्स प्लस 1 बाई एक्स 10,
यदि आपसे पूछ लेता x माइनस वन बाई एक्स तो क्या करते, फिर वही आपका वहां पे क्या था, यदि माइनस है तो अंडर रूट के माइनस टू, तो ये कितना था आपका 98, 98 में से 2 गए, ये आपका आ गया अंडर रूट 96, ठीक है। और इसको भी आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4√6, ठीक है। तो इस तरीके के इस पैटर्न पे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप सब कर सकते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। यदि मान लीजिए आपसे पूछता है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, आपको उसने दे रखा है 194। यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 दे रखा है 194 और आपसे पूछा है x प्लस 1 बाई एक्स, तो देखिए पावर 4 है, अब डिक्रीजिंग पावर में पूछा है उसने x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, पावर 1 है और पावर 4 से आना है, तो क्या करेंगे, पहले एक बार स्क्वायर आएंगे स्क्वायर वाली पावर में और फिर दोबारा आपका x प्लस 1 बाई एक्स पावर में आएंगे। तो अभी हमने पढ़ा है यदि डिक्रीजिंग पावर में आ रहे हैं क्या निकालेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, अभी पढ़ा था हमने क्या अंडर रूट के प्लस 2 जनरल फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका 194 प्लस 2 कितना आ जाएगा अंडर रूट 196, जो किसका स्क्वायर है आपका 14 का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर पता चल गया 14, लेकिन निकालना क्या है x प्लस 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा अंडर रूट फिर से जो आपका अब k का काम क्या करेगा 14 प्लस 2, तो आपका ये 14 और ये आपका प्लस के 2, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 16, आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। और यदि आपसे पूछता है यहाँ x माइनस 1 बाई एक्स तो क्या करते, तो आप कर देते क्या अंडर रूट 14 माइनस 2 यानी कि रूट 12। तो इस तरीके के आप सभी क्वेश्चन अभी कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में उनके आंसर करके बताने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं और आप सभी को इन सभी का आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप इस जो पैटर्न मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आप इन सभी को रिवाइज़ करें अच्छे से, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो इस सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये क्वेश्चन आप अपना सोल्व करें। यदि आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मार्स अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको PDFs, करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स, डेली वोकेबलरी और आपको सारी शीट्स यानी कि मैथ्स के जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वे और इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, ये सभी चीज़ें आपको डेली प्रोवाइड की जाती है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल मार्स अकेडमी इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।